रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, मैं आप विषय प्रोविडेंट फंड खातों में आधार के लिंक के कारण चाबागान के श्रमिक, पश्चिम बंगाल के चाबागान श्रमिकों को बहुत सारा समस्या का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रोविडेंट फंड को आधार से जोड़ने वाले अनिवार्य करने के कारण पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों को बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति के कारण कर्मचारियों को पेंशन की असुविधा हो रही है एवं प्रोविडेंट फंड की पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मैं एक चाय श्रमिक हूँ एवं चाबागान का वर्कर हूँ और ऑलरेडी एक आदिवासी संप्रदाय से आता हूँ। इसके कारण 58 साल के बाद में जो रिटायरमेंट होती है चाबागानों में, रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों को प्रोविडेंट की फंड की पैसा नहीं मिलती है एवं विभिन्न प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग से बहुत सारे काम जो चाय श्रमिक एवं ग्रामीण चाय मजदूरों के लिए किया गया, जैसे क्रेस हाउस, हॉस्पिटल की व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि का पट्टा देना से लेके बिना पैसा में राशन, बिना पैसा में स्वास्थ्य एवं विभिन्न प्रकार की परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से चाय श्रमिकों को किया गया है, लेकिन आधार लिंक के कारण जो पैसा नहीं मिल रही है एवं इस मिसमैच के कारण जो गरीब चाय श्रमिक है वो पैसा नहीं पा रहे हैं, पेंशन नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूँ, इसको जल्द से जल्द ठीक करें एवं पश्चिम बंगाल को जिस तरह से अवहेलना की नीति केंद्र सरकार से किया जाता विभिन्न प्रकार के सोर्सेज के कारण, इसको ठीक किया जाए। हम लोग चाय मजदूर एवं प्लाकिंग करने के कारण महिलाएं जो हैं उनका उंगली छिल जाता है, आधार उसको मॉनिटरिंग करने नहीं सकता, मशीन मॉनिटरिंग करने नहीं सकता है। बहुत सारा ग्रामीण इलाका है जहाँ नेटवर्क का समस्या है एवं जहाँ से उनको उस सुविधा को देखना पड़ता है। अभी जहाँ तक है आधार के कारण जो समस्या है इसको ठीक करें एवं ऑफलाइन को कंटिन्यू रखें जब तक ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण एवं गरीब श्रमिकों को इससे असुविधा हो रहा है। राज्य सरकार 100-150 साल से जो हम लोगों का डिमांड था जमीन का पट्टा, राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय ने 10 एवं 11 दिसंबर को अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी में एक चीज पास कर दिया एवं जमीन का पट्टा प्रत्येक चाय श्रमिक को दिया जा रहा है एवं उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये करके दिया जा रहा है, जो श्रेणीय है। भारत में केवल पश्चिम बंगाल में चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है, और भी स्टेट पे होता है जहां ये सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से इस मैटर को संशोधन करने के लिए बोलता हूं एवं मंत्रालय को बोलता हूं जल्द से जल्द इस मैटर को ठीक किया जाए एवं चाय श्रमिकों को इसका सुविधा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भट्टी। धन्यवाद माननीय प्रकाश बाराइक जी।